नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। भोजपुरी में भैया दो गो टावर है, खेसारी लाल यादव पवन सिंह। भोजपुरी का जो पहला टावर पवन सिंह है वो गाना का भैया तैयारी कर रहे हैं। पहला टावर इसलिए बोले क्योंकि खेसारी लाल यादव से पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में वो आए हैं, उनका पहले गाना हिट हुआ है, पहले वो बजे हैं, उसके बाद खेसारी लाल यादव बजे बहुत कलाकार के बजने के बाद। लेकिन खेसारी लाल यादव अपने मेहनत से एकदम सबसे आगे निकल गए। तो आज के डेट में भोजपुरी में दो टावर है, ठीक है। पहले दिनेश लाल यादव ने रहुआ, मनोज तिवारी, तो बहुत सारे रवि किशन, सबका नाम आता था। लेकिन अभी आज के डेट में दुए गो पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दो गो टावर है। तो एगो जो टावर है भैया वो एग्रीमेंट के चक्कर में पड़ गए हैं। उनको ये टेंशन लगा हुआ है कि कब हमारा एग्रीमेंट खत्म हो और फिर से धमाल मचाना चालू करें। अब सबसे बड़ी बात यह है भैया कि खेसारी लाल यादव को अपने लोगों ने लूटा, गेरों में कहां दम था, समझे ना। अब रावण उतना बड़ा ज्ञानी पंडित, उनको राम नहीं मार सकते थे, उनका भाई नहीं अपने भाई के साथ धोखा किया तब रावण मरा। उसी तरह भैया खेसारी लाल यादव के अपने लोगों ने ही छल किया और खेसारी लाल यादव का ये दशा है। लेकिन भगवान से मनाते हैं जल्द से जल्द ये सब मैटर ठीक हो जाएगा और जो भी होगा भैया अच्छा होगा, जो होता है अच्छा होता है, उसके लिए टेंशन नहीं है। तो खेसारी लाल यादव को टेंशन में इधर एग्रीमेंट के चक्कर में फंसे हैं और दूसरा भैया टावर जो है वो गाना रिलीज करने के चक्कर में पड़ल है, उनका टेंशन ये है कि कब पोस्टर आया था भैया और गाना कब आएगा नहीं आएगा। आपको बता दें आज लाइव आए थे पवन सिंह, दीपक सिंह, विक्की सिंह और लाइव में बताया कि पोस्टर तो कब है भैया, उसका फिल्म से आ गया है धनिया ये जान, कल या परसों भैया एक या दो दिन में गाना भैया ये आ जाएगा। स्टेप से भैया वो लोग बताएं, आप देखिए गाना किस तरह लगता है नहीं लगता है, इधर खेसारी लाल यादव का मैटर क्या होता है नहीं होता है, जैसे होगा भैया सब आप लोगों को न्यूज देंगे, अपडेट देंगे। खेसारी लाल यादव के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन जो होगा वो अच्छा होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और पवन सिंह का भैया गाना आ रहा है, आप लोग सुनिए, एंजॉय कीजिए, एक से दो दिन में आएगा धनिया ये जान उषा फिल्म्स पे, हो से कल टीजर आ जाए, परसों भैया वीडियो आ जाए, जैसा भी हो जबरदस्त न्यूज मिलेगा। एंजॉय कीजिए भोजपुरी में और भोजपुरी को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। बाकी आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी फिर मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद, आई लव यू, जय जय श्री राम।